नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल श्री वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, कल जो एग्ज़ाम्स होना है SBI PO प्री का, यानी कि 4th of January 2021, राइट, जो एग्ज़ाम्स होना है उसके रिगार्डिंग्स आज अपन मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। इसमें अपन लास्ट मिनट एक टिप्स के बारे में एक वीडियो है कि लास्ट मोमेंट पर आपको क्या करना है, किस टाइप के आपको एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करना है, कितने आपके अच्छे अटेम्प्ट रह सकते हैं, किस टाइप से पेपर्स को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। आपका कोई क्वेश्चंस हो, राइट, किसी भी तरह का क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, राइट। कोई एग्जाम से रिगार्डिंग सो, राइट, एग्जाम्स जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने फॉर्म फिल किया, जो फर्स्ट टाइम PO प्री का एग्जाम्स दे रहे हैं, राइट, उनके मन में कोई क्वेश्चन हो लाइक दैट, कोई रोल नंबर्स का हो, कोई एडमिट कार्ड का हो, एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो, राइट, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल टाइप कीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पे नहीं क्लिक किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा लगे लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्स के रिगार्डिंग बात करें, टोटल्स आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश आपकी, इंग्लिश न्यूमेरिकल्स एबिलिटी जिसको मैथ कहते हैं, क्वांट कहते हैं, एंड रीजनिंग्स एबिलिटी, राइट, ये 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, 35 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स क्वांट के और 35 मार्क्स के, रीजनिंग्स एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के। टोटल्स आपकी हो गई 20-20 मिनट का सेक्शंस टाइम है, तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, राइट। एग्जाम्स में आपको पहले आपको इंग्लिश मिलेगी, उसके बाद आपकी न्यूमेरिकल्स एबिलिटी मिलेगी, उसके बाद आपको रीजनिंग्स एबिलिटी मिलेगी, राइट। जो सेक्शंस पहले आएगा उसी को ही आपको पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके 20 मिनट ओवर होते ही आपके पास दूसरा सेक्शंस आएगा, इसके 20 मिनट्स कंप्लीट होते ही आपके पास तीसरा सेक्शन आएगा, राइट। तो इसी टाइप से आपको मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कमेंट बॉक्स में कि सर पहले हमको कौन सी मिलेगी, रीजनिंग्स कर सकते हैं, मैथ कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, पहले आपको इंग्लिश मिलेगी, फिर न्यूमेरिकल्स एबिलिटी, फिर आपके पास रीजनिंग्स एबिलिटी के, राइट। टोटल 20-20 मिनट्स का टाइम है, बहुत कम टाइम है। आपने जितनी अभी तक प्रैक्टिस की है, राइट, अभी तक जितनी आपने मेहनत की है, पूरी जी जान लगा दीजिएगा, राइट। SBI PO प्री है तो बिल्कुल एग्जाम्स को बिल्कुल केयरफुली होके अटेम्प्ट कीजिएगा, राइट, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये तो रहा एग्जाम्स के रिगार्डिंग्स बात। पहले कौन सी चीज़ पूछी जाएगी, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सेक्शंस टाइम क्या क्या होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये लास्ट ईयर के प्रीलिम्स की कट ऑफ है, राइट, आप देख सकते हैं जनरल्स कैटेगरी की लास्ट ईयर में 71 कट ऑफ गई थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपका एग्जाम्स होना है ना, राइट, उसके बेसिस पे आप अच्छे अटेम्प्ट किस बेसिस पे कर पाओगे, राइट। 71 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर की PO प्री की। EWS, राइट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 68.25 गई थी। OBC कैटेगरी की 68.25 गई थी, राइट, और SC ST कैटेगरी के लिए 54 गई थी ST की, और SC यानी कि शेड्यूल कास्ट की गई थी 61.75, राइट। तो ये आपकी कट ऑफ गई थी, मेन कट ऑफ देख लीजिए लास्ट ईयर कितनी गई है, उसी के बेसिस पे अटेम्प्ट कीजिएगा, राइट। अब चलते हैं सेक्शंस वाइज, अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पूछे जा सकते हैं और किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, यहाँ तक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन रीज करना हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में माय डियर स्टूडेंट्स, एक आपको मालूम होना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव,
राइट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपको पूछेगा ही पूछेगा। 30 क्वेश्चंस पूछता है रीडिंग, यानी कि इंग्लिश में टोटल 30 क्वेश्चंस पूछा जाता है और 20 मिनट्स का टाइम आपके पास गिवन रहता। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के करीबन करीबन कह सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के पूछता है, राइट। पर्टिकुलर अगर आप डेली बेसिस पे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आपके लिए बिल्कुल ईजी है। अब की बार बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा मोटो आपके MSP, राइट, जो मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, राइट, उसके ऊपर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव बन सकता है, राइट, या कोरोना के ऊपर जो वैक्सीनेशन से उसके ऊपर डिपेंड रह सकता है, राइट। मेन जो चर्चा में मुद्दे रहते हैं उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनाया जाता है या टेक्नोलॉजी बना सकता है, राइट। उसके बाद कुछ स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस पूछेगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकता है। ये मैंने टॉपिक लिखे हैं बट इसके अलावा भी आपके क्वेश्चंस बना सकता है, एरर के क्वेश्चंस पूछ लेगा, राइट, और क्लोज टेस्ट आपका पूछा जा सकता है। ये मैंने पर्टिकुलर 5 टॉपिक लिखे हैं कि हाँ इसमें से क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर, राइट। बट मैं इतना नहीं कह रहा कि हाँ इनमें से ही क्वेश्चंस बनेंगे, बन सकते हैं, ये मैंने पर्टिकुलर हेडिंग टॉपिक ली है। अब देखिए आपको किस टाइप से अटेम्प्ट करना है पेपर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, माइडी रेस्पिरेंट्स, पेपर्स आपके सामने ओपन होते ही, टाइम आपका स्टार्ट होते ही, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो ध्यान रखिएगा पहले ग्रामर पोर्शंस को कर लीजिएगा कि हाँ मेरी ग्रामर बहुत अच्छी है, मैं ग्रामर में अच्छा रहता हूँ, राइट। तो ग्रामर में ध्यान रखिएगा, ये आपका नंबर गेन भी कर सकता है और नंबर आपकी कटवा भी सकता है, राइट। तो नंबर आपको गेन करना है ग्रामर के बेसिस पे, क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट कीजिएगा जिसका आप 100% श्योर हो। तुक्के मत मारिएगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपको, लास्ट जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें नहीं हो पाएगा, राइट। तो क्यों मत मारना, नंबर आपके जितने आए इंग्लिश में आपको उतने ही अटेम्प्ट कीजिएगा कि हाँ मैं श्योर हूँ ये क्वेश्चंस मेरा 100% सही होगा, उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा। पहले ग्रामर पोर्शंस कीजिएगा अगर लगता हो कि हाँ मेरे लिए ईजी है, राइट। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है कि मैं रीडिंग अच्छी कर लेता हूँ, रीडिंग मेरे को ज़्यादा समझ में आती है, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव को पहले कर सकते हैं, राइट। 8 से 10 क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें से 2 क्वेश्चंस अगर आप निकाल ही दें, वो कैंपस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट, तो आपके पास ओनली 4 या 6 से 8 क्वेश्चंस बचेंगे, राइट। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव से भी अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट। और क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के बाद आप क्लोज टेस्ट पर फोकस कर सकते हैं, राइट। बट ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो पहले ग्रामर पे फोकस कीजिएगा पूरे एकदम कि हाँ मेरी अब इंग्लिश की कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी, अब मैं मार्क्स गेन करने के लिए कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ को लिए फाइट कर रहा हूँ, यह ध्यान आप रखिएगा एग्जाम्स में, ओके। तो ये तो मेन पर्पज इंग्लिश के ऊपर डिपेंड, राइट, आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, कितनी अच्छी आपकी रीडिंग स्किल है, ग्रामर को कितना समझते हैं, ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू मी जो आपको पहले आता है उसको ट्राई कीजिएगा, राइट। तुक्के मत मारिएगा, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, राइट। इंग्लिश में अगर अटेम्प्टेड बात करें, देखिएगा इंग्लिश में अगर अटेम्प्टेड बात करें कि सर हम कितना अटेम्प्ट करें, तो देखिए अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो माय डियर स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चंस भी अब अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, 18 से 20 लिख लीजिए, 18 से 20 क्वेश्चंस भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं विथ 100% एक्यूरेसी, राइट, 100% एक्यूरेसी के साथ, तो अब ये बहुत अच्छे अटेम्प्ट हैं। इस पे मत जाइएगा उसने इतने अटेम्प्ट किए हैं, उसने इतने अटेम्प्ट किए हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, राइट। हमेशा स्वयं का ध्यान रखना चाहिए कि मैं कितना सही हूँ, मैं कितना सही जा रहा हूँ, कितने मैंने सही अटेम्प्ट किए हैं, राइट। दूसरों पे जाओगे, कोई कोई 95 कहता है, कुछ कुछ कहते हैं, उस पर मत जाइए, आपको जितना आता है उतना अटेम्प्ट कीजिए, आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हैं,
ये चार टॉपिक्स हैं सिंप्लीफिकेशंस के, डीआई के, मिसिंग नंबर सीरीज के या अर्थमेटिक क्वेश्चंस, राइट। ये चार टॉपिक पे बेसिस पे क्वेश्चंस बना सकता है, राइट। डीआई के लगभग मेरे अकॉर्डिंग टू मी बात करें तो 2+1 आपके 3 DI सेट पूछे जा सकते हैं। 2+1 यानी कि एक डीआई आपका कैसलेट डीआई बना सकता है एग्जामिनर, एक कैसलेट पूछेगा ही पूछेगा, राइट राइट। और 2 DI सेट कुछ बार ग्राफ हो सकता है, मैंने सॉल्यूशंस करवाए हैं कुछ क्वेश्चंस, आप देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। आपका 6 को अगर एग्जाम से, 5 को एग्जाम से, तो प्लीज़ वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, राइट। डीआई सेट में आपकी 2 DI सेट पैराग्राफ या लाइन पाई चार्ट के पूछा जा सकता है, 1 DI आपका कैसलेट पूछा जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशंस की बात करें तो 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं, कभी कभार तो नहीं भी बनते, कभी कभार बना देता है 5 क्वेश्चंस ओनली, ज़्यादा नहीं बनेंगे। मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज के, किसी भी शिफ्ट में रॉन्ग नंबर पूछा जा सकता है, किसी में आपकी मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस पूछता है, ओके। अर्थमेटिक के लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। यहाँ पर अगर सिंप्लीफिकेशंस उसको अप्रोक्सीमेशंस नहीं देना तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे देगा, राइट। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, राइट। और एक बात याद रखिएगा, क्वांट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज़ पे फोकस मत कीजिएगा कि पहले मेरे को वो अटेम्प्ट करना है, पहले मेरे को वो अटेम्प्ट करना है। टोटल्स 35 क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग से, यानी कि 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, 31st से आपके स्टार्ट होंगे, तो एक एक क्वेश्चंस को देखते चलिएगा, राइट। ऐसा नहीं हो आप ढूंढने लग जाओ कि मैं पहले TI सॉल्व करूँगा, राइट, फिर मैं आपके मिसिंग नंबर सीरीज सॉल्व करूँगा, ऐसे आप ढूंढते रहोगे, सारा टाइम आपका उसी में ही वेस्ट हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा, राइट। ज्यादा जिसमें लगता हो कि मेरा टाइम जा रहा है, टाइम मेरा कंज्यूम हो रहा है, राइट, उसको हाथ ही मत लगाइएगा, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा, करेक्ट करना, 100% एक्यूरेसी रखना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये मेरी गारंटी होगी। एग्जाम से कितना भी टफ आए, आपके लिए टफ नहीं है, सभी के लिए टफ होगा, राइट। इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा, इतना टफ नहीं बनाया जा सकता, इजी बनाएगा, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। मैथ की बात कर लें तो 35 में से अगर आप 25 से 27 भी अटेम्प्ट करते हैं, राइट, तो ये आपके लिए गुड अटेम्प्ट होंगे, राइट। ये पेपर पे अकॉर्डिंग बनेंगे, पेपर किस टाइप से आता है, पेपर इजी आता है तो इतने अटेम्प्ट बहुत सफिशिएंट अटेम्प्ट है। नेक्स्ट आपके रीजनिंग्स एबिलिटी, टोटल्स 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट की टोटल 3 या 4 सेट आपके पजल्स देता है, डायरेक्शन सेंस की 3 क्वेश्चंस पूछा है, इनइक्वालिटी आपकी इजी देगा, राइट, लेटर एंड नंबर सीरीज, राइट, ये आपके पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछेगा PO में, तो लेटर एंड नंबर सीरीज, राइट। नेक्स्ट आपका मिसलेनियस, राइट, सिलॉक्स इसमें मैंने नहीं रखे हैं, बट सिलॉक्स भी आपको किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, राइट। ज़्यादा फोकस पजल्स पे कीजिएगा, कोई भी पजल्स आप अलूज रहे हो, इट मीन्स आप टाइम जहाँ पर आपका ज़्यादा लग रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, पजल्स को अटेम्प्ट मत कीजिएगा। पजल एक ऐसी चीज़ है आपकी मार्क्स दिलवा भी सकती है, आपके मार्क्स कटवा भी सकती है, राइट, टाइम कंज्यूम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, राइट, तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका कोई डाउट हो एग्जाम्स के रिगार्डिंग्स, आपको कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा, ओके। 35 में से अगर आप पेपर अगर इजी आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप 26 आपका सही अटेम्प्ट होगा, थोड़ा सा टफ आता है तो 22 से 24 तक आपका सही अटेम्प्ट होगा, गुड अटेम्प्ट होगा, ओके, याद रखिएगा। लास्ट ईयर कट ऑफ को आप ध्यान में रखिएगा, कितनी गई है आपकी कैटेगरी, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग्स में बताई है, कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं वह अभी देख लीजिएगा स्टार्टिंग्स, ओके। सब्सक्राइब आपने नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिनका एग्ज़ाम्स कल है यानी कि 4 तारीख को,
पहला शिफ्ट में है और जिनका एग्ज़ाम्स इनके लास्ट वाले शिफ्ट में है या 5 तारीख को है, तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, राइट, जो 4 तारीख को पहला शिफ्ट एग्ज़ाम्स है उसको छोड़ के उसके बाद जिनका एग्ज़ाम्स होना है, प्लीज़ एनालिसिस एक बार ज़रूर देखिएगा किस टाइप के एग्जामिनर क्वेश्चंस बना रहा है, क्या क्या टॉपिक बेस पर उठा रहा है। SBI PO प्री है, याद रखिएगा SBI है, हमेशा न्यू चीज़ को फॉलो करता है, राइट, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। चैनल्स पे जुड़े रहिएगा, मैं भी आपके लिए एनालिसिस जरूर लाऊंगा, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक माय डियर एस्पिरेंट्स, अच्छे से एग्जाम्स की दीजिएगा, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, अगर ईमानदारी से बिल्कुल होनेस्टी के साथ मेहनत की है तो 100% आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।